सो so, गए अगर आप ब्लेंडर 4.2 पॉइंट टू का यूज़ करें तो आपने एक नया वर्ड सुना होगा ब्लेंडर एक्सटेंशन अभी ब्लेंडर एक्सटेंशन बेसिकली है क्या होता क्या है आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ बिकॉज काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर हमारे एडोन इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं हम ट्राई कर रहे हैं इंस्टॉल करने की पर वो इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं क्या आखिर में वजह है इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ ब्लेंडर फोर के अंदर तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं पहले हमारा सिर्फ खाली एडोन का सेक्शन आता था अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पे एक नया ऑप्शन आ रहा है उसे हम कहते हैं गेट एक्सटेंशन अभी गेट एक्सटेंशन आप यूज़ कैसे कर सकते हो बिकॉज काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज़ हैं तो आपको कुछ नहीं करना गैस बस आपको एक चीज ध्यान रखने कि आपका जो ब्लेंडर है उसको बेसिकली आपको इंटरनेट से यहाँ पे अलाउ करना है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद बेसिकली यहाँ पे अगर आप आते हैं नेविगेशन पे सॉरी सिस्टम uh, पे सिस्टम पर अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है अलाउ ऑनलाइन एक्सेस अगर आपका ये अंचक है तो आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली इंटरनेट पे आपको ऐसे क्रॉस का आइकन दिखेगा नीचे आए आप देख सकते हैं अगर इसको आप ऑन करेंगे तभी जाके आप एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं आप काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो नहीं हो पा रहा है उसका रीज़न पहला चीज़ क्या है कि आपको अलाउ इंटरनेट एक्सेस को इनेबल करना है पहली चीज़ जब आपका ये इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा वो कि आपका इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं है जब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आपको जाना है बेसिकली अपने गूगल पे गूगल पे जाने के बाद आपको जस्ट नॉर्मल सर्च करना है ब्लेंडर एक्सटेंशन यहाँ पे सिर्फ खाली आपको जस्ट सर्च करना है ब्लेंडर एक्सटेंशन ठीक है एक्सटेंशन ऐसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट आ जाएगी ब्लेंडर एक्सटेंशन की इसको जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑन भी दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन भी दिख रहे हैं ठीक है ना एक तरीके का नया तरीका है ये एडोन को इंस्टॉल करने का अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे कुछ भी कोई भी ऑन जैसे चाहिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक अच्छा सा ऑन देख लेता हूँ जो मुझे चाहिए हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली ये हमारे यहाँ पे एक्सटेंशनस हैं ये हमारे एडोन्स हैं ठीक है मैं काम करता हूँ उसको सी ऑल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे एडोन दिख जाएंगे यस yes, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई सा भी एक एडोन यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ जिससे और एड तो यहाँ पे मुझे एक ऑन दिख रहा है बेसिकली प्री कैमरा रेजोल्यूशन तो मैं इसी को बेसिकली यहाँ पर ट्राई करता हूँ तो मैं इसको कुछ नहीं करना जिसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखो ये बताएगा कि ऑन एक्जैक्टली exactly क्या काम करता है क्या ये चीज़ है तो आपको कुछ नहीं करना जैसा यहाँ पर क्लिक करना गेट गेट ऑन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप इन टू द ब्लेंडर और ये बोलता है कि अगर आपको डाउनलोड भी करना है तो कर सकते हैं फिर आपको इंस्टॉल फ्रॉम द डिस्क करना पड़ेगा पर यहाँ पर अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट है यहाँ पर लिखा भी आ रहा है ब्लेंडर फोर पॉइंट टू से यहाँ पर ये क्या है कम्पेटिबिलिटी है इसकी यहाँ पे। तो जैसे आप इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे ब्लेंडर के अंदर तो ये पूछेगा मतलब ये बोलेगा चेकिंग फॉर एक्सटेंशन उसके बाद बोलेगा डू यू टू इंस्टॉल दिस फॉलोइंग ऑन हमने बोला इनेबल ओके okay. जैसे आप ओके okay कर देंगे तो यहाँ देखेंगे आपका ये ऑन आ जाएगा अब अगर आपको चेक करना ये आया या नहीं आया तो आपको क्या करना है एडिट पर जाना है प्रेफरेंस पे जाना है और जैसे ही आप अपने एक्सटेंशन के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्री कैमरा रेजोल्यूशन ऑन ये यहाँ पे आपका आ चुका है अब ये कहाँ पर मिलेगा ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये है क्या इसका लाइसेंस है क्या है सब

तो यहाँ से आप बेसिकली इसको यहाँ से कस्टम रेजुलेशन को यूज कर सकते हो ठीक है एंड ये रेंडर एनिमेशन रेजुलेशन सब कुछ मतलब ये एक तरीके से एड ऑन है आप ऐसे ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दो देखो तो कई बार ऐसा हो रहा है ब्लेंडर में मैंने यहाँ पे नोटिस किया खुद से कि जैसे मान लीजिए कुछ टूल है जैसे फॉर एग्जाम्प मान लीजिए जब हम राइट क्लिक करते हैं जैसे मान लो मैं एडिट मोड में गया इसके एडिट मोड में जाने राइट क्लिक करूंगा राइट क्लिक करने का यहाँ पे एक ऑप्शन आता था लूप टूल का जैसे मैं टू प्रेस करूंगा यहाँ पे देखो कहीं पे भी हमको वो लूप टूल का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा ठीक है ना तो क्या

यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स्ट्रा तो जैसे मैंने पे एक्स्ट्रा सर्च किया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखते हैं यहाँ पे देखो अवेलेबल आ गया है तो देखो को यहाँ पर लिखा रहा है एक्स्ट्रा मैश एंड एक्स्ट्रा कफ तो आपको यहाँ से पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा जब आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे एक्सटेंशन से तो वो उसको ऑनलाइन कनेक्ट करके उसको इंस्टॉल करेगा वैसे ही सेम इसको भी अगर मैं इंस्टॉल करूँगा तो ये उसको बेसिकली पहले इंस्टॉल करेगा ठीक है जब तो इंस्टॉल कर देगा उसके बाद अगर आप यहाँ जाएंगे तो तब जाके आपको ये एडवांस सेक्शन में दिखेगा अदरवाइज आपको एडवांस सेक्शन में नहीं दिखेगा तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है ही कि एक्सटेंशन और एडोन आपस में जुड़े हुए हैं बिकॉज क्या है कि उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया कनेक्ट कर दिया सारा कुछ और एक कुछ एक्सटेंशन ऐसे हैं कि जो आपको सिर्फ खाली एक्सटेंशन में मिलेंगे वो आपको एडवांस सेक्शन में नहीं मिलेंगे पर जितने भी बाई डिफॉल्ट हमारे एडोन्स हैं जितने भी बाई डिफॉल्ट हमारे टूल्स थे जो हम बेसिकली एडवांस सेक्शन से इनेबल करते थे वो हमको अब गेट एक्सटेंशन में जाके पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे तब जाके हमें वो एडवांस सेक्शन में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था आप लोगों को समझाना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा था एंड दूसरी चीज़ कई लोग बोले कि हमारा ड्रैगन ड्रॉप नहीं हो रहा कि ब्लेंडर में हम जब भी हम जा रहे हैं तो हमारा ड्रैगन ड्रॉप नहीं हो रहा तो आपको मेक श्योर sure करना है कि आप यहां आपका यहाँ पे इंटरनेट यहाँ से अलाउ इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए अगर आपको अलाउ इंटरनेट ऑन नहीं है तो आपका समस्या हो जाएगी उसी के साथ साथ यहाँ पे जो टाइम आउट है इसको अगर आप कम करना चाहते हो तो रख सकते हो पर कम करने में समस्या ये है कि इंटरनेट जो है ना वो बेसिकली बार बार जो आपका एड ऑन है या फिर जो भी चीज़ें वो कई कबार इंस्टॉल हो जाते हैं तो आप कनेक्शन लिमिट मिनिमम पाँच ही रखें जो उसका बाई डिफॉल्ट है तो उसको बाई डिफॉल्ट बेसिकली आप टेन रखें और इसको आप बेसिकली फाइव रखें ठीक है तो इतना सा मेरे को आपको समझाना था अगर किसी को भी नहीं समझ मारे कि एक्सटेंशन कैसे काम करने एंड एक चीज और है कई लोग बोल रहे थे कि थीम कैसे इंस्टॉल करें थीम भी कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो थीम का भी बहुत ईजी सा फंड है मैं आपको दिखाता हूँ ओके सो आपको कुछ नहीं करना जस्ट खाली आपको एक्सटेंशन पर आ जाना है यहाँ पे ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सटेंशन पर आ गया तो यहाँ पे आपको देखो ऊपर देख रहे हैं एड ऑन थीम अप्रूवल कोई मतलब ये क्या है बेसिकली ये जो एडोन्स है ये भी अप्रूव हुए नहीं है ये यहाँ पे लाइन पे लगे हैं बेसिक क्यूज़ पे हैं अभी ये ठीक है ठीके? अगर आपको ये भी यूज़ करें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो ये इतने सारे एडोन्स अभी जो हैं ये अभी अप्रूव्ड नहीं हुए हैं ठीक है ना ये यहाँ भी क्या है अवेटिंग चेंजेस इन इनको ब्लेंडर ने चेंज करने को बोला होगा कुछ ये रिव्यू के लिए गए हैं तो अगर आपको ये भी एज अ ट्राई करना है एवन आपकी इच्छा है तो आप इनको भी यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो कोई समस्या नहीं है ठीक है ये लोग यहाँ पे बस अपलोड कर रहे हैं और जैसे ही देखो बहुत सारे हैं जैसे ही यहाँ से इनको अप्रूवल मिलेगा तो आपको बेसिकली यहाँ पे आता हूँ एडोन सेक्शन पे या फिर ये थीम सेक्शन में आपको दिख जाएंगे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं थीम पे जाता हूं अगर हमको कोई भी थीम चेंज करनी है पहले हमें डाउनलोड करनी पड़ती थी सब कुछ करना पड़ता था अब हमें यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है हमको जस्ट डायरेक्टली जैसे थीम के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर यह साइड बहुत ज्यादा स्लो चल रही है आई डोंट नो क्या समस्या है जस्ट वेट अ इसको ट्राई करते हैं ये तो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है जस्स तो ये चल गई तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पूरे के पूरे सारे थीम्स यहाँ पर आ चुके जो भी थीम आपको अच्छी लगती है वॉट एवर थीम यू लाइक इट जैस आपको जस्ट क्लिक करना है जैसे ग्रीन ऑलिव यहाँ पे ये करके एक थीम है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा माया थोड़ा सा मतलब मोडो वाला फील दे रहा है ये ठीक है ना मैं इसको क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपसे डायरेक्टली बोलेगा यहाँ पर लिखा गेट थीम और बोलगा ड्रैगन ड्रॉप इन टू ब्लेंडर जैसे मैं इसको ड्रैगन ड्रॉप करूँगा तो आप देखेंगे चेकिंग फॉर एक्सटेंशन अपडेट ओके और ये आपको अप्लाई कर देगा तुरंत ये देखिए तो आपका ब्लेंडर एकदम कूल हो जाएगा काफ़ी सुंदर लग रहा है यार ये ये वैसे है तो कूल ये थीम अच्छी लग रही है मतलब इसमें क्या होता तो है देखो थीम का ना एक फ़ायदा है इस थोड़ा चेंज मिल जाता है थोड़ा मज़ा आता है करने में तो अच्छा लगता है तो ग्रेट अच्छा लग रहा है जिन लोगों को भी गेमिंग या फिर बहुत ज़्यादा थीम वीम चेंज करने की आदत है वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं मोस्टली सारे आइकन्स में देखो सारे ब्लेंडर वगैरह एड हो अच्छे से काम कर रहे हैं ओके गाइस सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कैसे आप एड ऑन को इंस्टॉल कर सकते हो कैसे आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो सॉलिड गैस तो इस तरीके से आप ब्लेंडर में यूज कर सकते हैं ये नया एक्सटेंशन वाला जो फीचर है और साथ साथ में एड ऑन वाला फीचर है तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट है तो उसको बहुत वाइसली यूज करिएगा एंड यस yes, इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्सेस में तब तक अपना ध्यान रखें अगर आपको कोई भी समस्या कोई दिक्कत परेशानी तो नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ गैस अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में तो हमारा ब्लेंडर बेसिक तो एडवांस कोर्स है चाहे उसे परचेस करें उसमें भी ट्वेंटी परसेंट ऑफ चल रहा है डी जी ट्वेंटी आपको यूज़ कर सकते हैं अभी करंट प्राइस पर आपको ट्वेंटी ऑफ मिल जाएगा एंड यस इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट में तब तक के लिए ध्यान रखिए बाय बाय टेक स्टे होम वाइज एंड लव यू